नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं नेहा। 370 में बदलाव के बाद भी कश्मीर में अमन और चैन बना हुआ। यहां सड़कों पे हंगामे की बात तो छोड़िए, अनुच्छेद में बदलाव के बाद भी अभी तक एक नारा नहीं सुनाई दिया। यहां तक कि देश के दूसरे इलाकों में रह रहे कश्मीरी लोगों की तरफ से भी विरोध की कोई आवाज नहीं आई। अगर यह मुमकिन हुआ है तो हम कह सकते हैं ये मुमकिन सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उठाए गए एक बहुत बड़े कदम के बाद हुआ। एक स्टिंग का वीडियो सामने आने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया था। कश्मीर में पत्थरबाजी करानी हो, स्कूल कॉलेज में आग लगवानी हो या कश्मीर बंद का ऐलान करना हो, ऐसे हर एक काम के पीछे हुर्रियत से जुड़े कुछ नाम जैसे यासिन मलिक, बिट्टा कराटे, नईम खान, मसरत भट्ट, आलम जहूर और आसिया अंद्राबी सहित कुल बड़े ऐसे 12 नाम हैं जिनका नाम हमेशा सामने आया है। लेकिन कुछ समय पहले देश में स्टिंग ऑपरेशन का एक वीडियो सामने आया था जिसमें बिट्टा कराटे और नईम खान समेत कई लोग पैसा लेके कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी और स्कूलों में आगजनी कराने का सौदा करते दिखाई देते थे। हुर्रियत नेताओं का वीडियो सामने आते ही नरेंद्र मोदी सख्त हो गए। हुर्रियत नेताओं पर टेरर फंडिंग के मामले में कबूलनामा सामने आते ही NIA ने कश्मीर सहित देश भर में छापेमारी शुरू कर दी थी। यह छापेमारी अभी तक चल रही है। कुछ दिन पहले यूपी के प्रयागराज में सौरभ शुक्ला को गिरफ्तार किया गया था। मोदी सरकार का सख्त रुख देखकर NIA 2017 से हुर्रियत नेताओं को एक एक कर जेल में डालना शुरू कर दी। इस वक्त हुर्रियत के 12 लीडर तिहाड़ जेल में बंद है। सबसे आखिर में मसरत भट्ट को जेल में डाला गया था। ऐसी संभावना थी कि अगर हुर्रियत नेताओं को कश्मीर की जेलों में बंद किया जाता है तो लोग जेल से भी अपने गुर्गों को हुक्म देके कश्मीर में बवाल करा सकते हैं, अपने टेरर फंडिंग के नेटवर्क को चला सकते हैं। यही वजह थी कि सभी को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया और दिल्ली के तिहाड़ जेल में सभी 12 हुर्रियत बड़े नेताओं को रखा गया है। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो बीते कुछ समय यासिन मलिक, नईम खान, बिट्टा कराटे, आशिया अंद्राबी को कश्मीर के जेलों में शिफ्ट करने के लिए सरकार को कई लेटर मिले थे, लेकिन केंद्र सरकार ने कश्मीर में अमन बहाली के अपने कदम को देखते हुए ऐसे सभी खातों को दरकिनार कर दिया है। तो इन 12 हुर्रियत नेताओं को दिल्ली के तिहाड़ में रखे जाने की वजह से कश्मीर में अमन और चैन बरकरार है। आप बने रहे सिटी पोस्ट के साथ। इस तरह की खबरों के लिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं साउथ केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। साउथ केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।